साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा इस दर्द की वजह से चलने में दिक्कत हो रही है, बैठने में दिक्कत हो रही है, आप करवट बदलते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हेलो ब्यूटीफुल फैमिली, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत 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 ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप सबके लिए बनाया है। जैसे कि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको क्या हो रहा होगा कि कूल्हे में या जांग की हड्डी में बहुत तेज़ी से पेन हो रहा होगा। जैसे आप उठते हो, बैठते हो, करवट बदलते हो तो आपको एकदम से करंट जैसा फील होता होगा। तो क्या ये दर्द प्रेगनेंसी में होना नॉर्मल है? अगर ये दर्द हो रहा है तो किन कारणों की वजह से हो रहा है, और साथ ही में इस दर्द से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे कि इस दर्द में आराम मिले और ये प्रॉब्लम बार बार हमें किसी भी चीज़ में परेशान ना करे। क्योंकि जब ये दर्द होता है तो काम करना, खड़े होना, बैठना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या उपाय करने हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, साथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलें। लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और साथ ही साथ आपको फ्री में इसी तरीके की प्रेगनेंसी से जुड़े हुए वीडियो भी टाइम टाइम पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम होती है जांघ की हड्डी में दर्द या फिर कूल्हे में दर्द, ये कुछ महिलाओं को तीसरे ट्राइमेस्टर से, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट होती है, लेकिन कुछ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही ये प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तभी से ये पेन शुरू हो जाता है। अब इस पेन के पीछे के पहले हम कारण जानते हैं कि आखिर ये किन वजहों से दर्द होता है। तो पहला तो रीज़न इसका होता है कि अगर आप कोई भी काम अपनी प्रेगनेंसी में ज़्यादा टाइम तक खड़े होकर कर रही हैं तो इस वजह से पेन होगा। साथ ही साथ अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी एक्सरसाइज नहीं करती हैं, वॉकिंग नहीं करती हैं, तो इस वजह से भी ये पेन होता है। इसके बाद जैसे कि आप अपनी प्रेगनेंसी में गलत पोजीशन में लेटती हैं या गलत पोजीशन में बैठती हैं, उठते बैठते टाइम आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं अपनी पोजीशन का, तो इस वजह से भी ये पेन हो सकता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ ऐसे हार्मोन्स आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं कि आपकी जो पेल्विक बोन है उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जिस वजह से पेल्विक बोन के जॉइंट और लिंगामेंट में दर्द होने लगता है। साथ ही साथ जैसे कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर से आपका पेट भरना बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाता है, तो आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो भी चेंज होने लगता है। आपकी जो बॉडी है वो पीछे की साइड झुकने लगती है, क्योंकि आगे पेट बढ़ रहा है तो आपकी बॉडी का पोस्चर क्या है कि चेंज हो जाता है। तो इस वजह से भी आपके कूल्हे में और जांघ की हड्डी में दर्द की समस्या होने लगती है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो प्रेगनेंसी में पेन होता है वो पूरे तरीके से नॉर्मल है, इससे बच्चे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और ना ही इससे प्रेगनेंसी में आपके कोई फर्क पड़ता है, इसीलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जैसे कि इस दर्द से परेशान हो चुके हैं तो चाहते हैं कि इस दर्द से थोड़ी सी राहत मिल जाए, थोड़ा ये दर्द कम हो जाए, तो उसके लिए आपको सिर्फ कुछ बातों पर ध्यान देना है। जैसे कि जब भी आप सो रहे हो तो आपको हमेशा करवट लेकर सोना है, साथ ही साथ अपने दोनों पैरों को मोड़ के उनके बीच में एक पिलो लगाकर सोना है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का जो पोस्चर है सोते टाइम वो एकदम सही रहेगा, जिस वजह से आपके जो लिंगामेंट है, मतलब कूल्हे में दर्द है एंड जांघ की हड्डी में दर्द है, वो नहीं होगा। साथ ही साथ जैसे कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, आपकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर पाओ, तो आप नॉर्मली वॉकिंग कर सकते हो। वॉकिंग करने से प्रेगनेंसी पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि अच्छा ही होता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो डेली 30 मिनट वॉकिंग आप जरूर करें, अगर आप दोनों टाइम करते हो तो और भी अच्छा है। 30 मिनट वॉक आप मॉर्निंग में कर सकते हो, 30 मिनट वॉक आप इवनिंग में भी कर सकते हो। इससे भी आपके जो राउंड लिंगामेंट है एंड जो मतलब जांघ की हड्डी और कूल्हे में दर्द है उसमें आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप गर्म सिकाई भी कर सकते हो, जैसे कि हॉट वाटर वैक्स से आप सिकाई कर सकते हो, तो आपको इससे भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा इस दर्द की वजह से चलने में दिक्कत हो रही है, बैठने में दिक्कत हो रही है, आप करवट बदलते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में फिर आपको एक बार अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसका इलाज करना थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाता है, मतलब उस चीज़ को ज़्यादा टाइम भी लग सकता है सही होने में। इसलिए अगर ज़्यादा समस्या हो तो अपने डॉक्टर से एक बार जरूर मिल लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, क्या करना है, क्या रीज़न होते हैं, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल जरूर रहा होगा। तो उसके लिए एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो डेली देखने के लिए। चलिए मिलती हूँ आप सबसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ऐसे ही ध्यान रखिए।
हमेशा खुश रहिए और अपनी फैमिली में भी खुशियां बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।